हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डलगोना कॉफ़ी। ये इंटरनेट पे काफ़ी पॉपुलर है, बन जाती है जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और काफ़ी टेस्टी रहती है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 छोटी चम्मच कॉफ़ी लूँगी। कॉफ़ी आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। तो इसका रेशियो 1:1:1 का रहता है। जैसे मैं 2 चम्मच कॉफ़ी लूँगी तो 2 चम्मच शुगर लूँगी तो 2 चम्मच ही पानी लूँगी। तो अब मैं 2 चम्मच शुगर डालूंगी इसमें, और ये पानी एकदम उबला हुआ है, एकदम गर्म है। आप इसके बदले चाहे तो दूध भी ले सकते हैं, वो भी एकदम गर्म होना चाहिए। तो 2 चम्मच मैं नाप के पानी डालूंगी। तो ये तैयार हो गया है, अब हम इसको फेटेंगे। तो अगर आपके पास बीटर है तो आप बीट कर लीजिए उससे, या फिर आप उसको ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, उससे थोड़ा इजी पड़ जाएगा। अगर आप हाथ से फेंटते हैं तो फिर कम से कम 8 मिनट का टाइम लगेगा इसको, क्योंकि हमें इसको इतना फेंटना है कि कलर में ये लाइट हो जाए और ये वेलवेटी स्मूथ एक फोम का शेप ले ले। तो उस स्टेज तक हमको इसको कंटिन्यू फेंटना है। तो आप कंटिन्यू चलाते जाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए इसका कलर 3-4 मिनट में इतना चेंज हो गया और ये फूल गया है। तो अब हम इसको कंटिन्यू अभी भी फेंटेंगे। तो मुझे फेंटते फेंटते कम से कम 5 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए इसका कलर एकदम चेंज हो गया है और ये फोम जैसा हो गया है। तो अभी हम इसे फिर फेंटेंगे। कॉफ़ी तो फास्ट बन जाती है, सिर्फ इसका फेंटने में ही टाइम लगता है। तो देखिए ये तैयार हो गया है। तो हमको इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। तो अब हमने लिया है एक ग्लास जिसमें हम डालेंगे आइस। हम चिल्ड कॉफ़ी बनाएंगे। आपको चाहिए तो आप गर्म दूध से भी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें आइस डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी मिल्क। तो मैंने आधा ग्लास मिल्क ले लिया है। इसमें मैंने शुगर नहीं डाली क्योंकि कॉफ़ी में शुगर थी तो डालने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि हमको दूध स्वीट चाहिए तो फिर आप मिला सकते हैं। अब ऊपर से हम इसमें कॉफ़ी डालेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप बनाते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये कॉफ़ी बनकर एकदम तैयार हो गई है। तो देखिए जल्दी से बन गई है हमारी कॉफ़ी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो इस तरह से आप बनाइए और एन्जॉय कीजिए। तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।